रायबरेली जनपद के महाराजगंज कस्बे में सीएससी में पकड़ा गया वसूली मैन। जी हां, बात कर रहे हैं महाराजगंज कस्बे की, जहां पे सीएससी में सीएससी अधीक्षक का वसूली मैन पकड़ा गया, जिसने एक महिला से 400 रुपए मांगे थे टाके के नाम पर। तो वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष के पास पहुंची महिला ने लगाई न्याय की गुहार। भाजपा नेताओं ने जम के काटा सीएससी में हंगामा, जिसके बाद सीएससी अधीक्षक ने महिला के पैसे को वापस करवाया। इन वसूली मैनों पे क्यों नहीं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी देते हैं ध्यान? अभी पूर्व में लालगंज में भी इसी तरह का एक प्रकरण आया था सामने, जिसमें भी भाजपा नेताओं ने ही जम के विरोध किया था और उस विरोध के बाद उस पीड़ित परिवार को पैसा वापस मिल गया था। लेकिन बात की जाए तो इन वसूली मैनों पे आखिर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी क्यों मौन बैठे हुए हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं ठीक ठाक कार्रवाई, जिसकी वजह से आए दिन इन वसूली मैनों से परेशान पीड़ित आखिर क्यों भागते हैं इधर उधर न्याय के लिए? हमारा हाँ केतकी। अच्छा, रहने वाली हो आप? जी हाँ। कहाँ आई हो आज? यहाँ भैया का हलोर में जवाब दे दें। हाँ, तो भैया हम कहें कि हुआ दिखाओ सरकार में दिखाओ। क्या दिक्कत है आपके लड़के को? इका रहा है, मसा रहा है। कहाँ पर? खून बहुत निकल रहा है यहाँ पे। हाँ अच्छा अच्छा, तब फिर क्या? तो हम डॉक्टर बोले कि यहाँ हमारे बस के नहीं ना हो, महाराजगंज दिखाओ जाए। महाराजगंज कहाँ है, कोई अस्पताल आई हैं आप? तो यहाँ आए तो दिखाएं तो कहीं। कौन से अस्पताल आई हैं? सरकारी अस्पताल। क्या हुआ फिर? फिर यही हुआ कि ऑपरेशन में दिखाएं तो कहीं कि इनका 600 आवा हुआ से अंदर से बोले नाम घुराए उनके, तो इनका बोला इन कहीं कि जो लिए खा तुमको घूस ले लियो, इनका जाओ लेके जाओ अंदर। तो को कैसे घूस ले लियो? डॉक्टर। कौन डॉक्टर? डॉक्टर बोले बड़े डॉक्टर जो अंदर हैं। अच्छा, फिर? फिर बोले कि यहाँ कहीं इनका ऑपरेशन करो जाए और जो घूस तुमको चाहिए वो बोल देना। तो हम मांगे अंदर तो हम कहें 600 रुपया दियो। तो 600 दिए आप? तो हम कहें भैया हाथ जो तो पहले लड़का समझ के इनका दवा करो, 400 रुपया ले लो, कहें नहीं 500 दे दियो। तो हम कहें भैया 400 देना, तो कहें अच्छा लाओ 400 देना, उसके बाद में इनके तो ऑपरेशन करें। दवा कैसे आपको मिली? और दवा या देखो या दवा दी नहीं बाहर अपने लग से दी थोड़ी दवा, उसके बाद में कहीं पर्चा। कौन सी दवा देखे जरा? जो हम दी अंदर से नहीं, जो आपके पॉलीथीन में है ये देखो। ठीक ठीक। अच्छा, ये बाहर से दवा लिखे हैं? बाहर से 400 की दवा है। 400 के मतलब डॉक्टर साहब क्या बोले? क्या बोले कि जाओ बाहर से कैसे क्या कहे? डॉक्टर बोले कि पर्चा हम कहें डॉक्टर पर दवा नहीं लिखे कैसे ले जाए? तो कहें जाओ पर्चा दिखा दो और पर्चा दिखा के बाद में हमसे बात कर ले। अच्छा, हमसे बात डायरेक्ट कर ले, हम बता दे बोल दे आपकी यह दवा दिए। क्या कहना चाहेंगे आप? तो क्या कहेंगे आप इस बारे में, जो आपसे इस बारे में जो हमका यही हुआ कि जो दवा दी वही बोल रहे हम कत्ते दिन दवा। रीवा से कैसे आई है इतनी दूर से? रीवा से साइकिल से आना। किसके साथ आई है? अपने लड़के के साथ है। क्या बच्चे नाम है बच्चे का? हिमांशु। कम कितना दूर है, कितनी दूर है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। कहा नहीं आपने कि पैसे क्यों मांग रहे हैं आप? इनके पापा है नहीं, रिक्शा चलाते हैं। डॉक्टर ने फोन किया था क्या मेडिकल स्टोर वाले को? ये पर्चा सिर्फ हम कोई बोले रहे डॉक्टर के लगे की उनसे बोल दो फोन कर दे डॉक्टर के लग का, तो हम ऐसे पकड़ान पर्चा जैसे वही तुरंत खुद ही फोन कर दें उनके लगता। अच्छा, आपका बतवाई को नहीं पड़ा? अरे डॉक्टर ने फोन पे ही मेडिकल स्टोर वाले को बता दिया कौन कौन सी दवाई देनी है। हाँ, वही खुद ही बात कर लें दोनों जने, दवा दे दें। ठीक, अभी संज्ञान में आया है, मुझे इसका पहले नहीं पता था। और इनसे ये इनका कहना है कि 400 रुपए लिए गए और उसी से मैंने फिर डॉक्टर को बुला के बताया और इनके 400 रुपए लटवा भी दिया। अच्छा, आगे से इस बात का मैंने स्ट्रिक्टली उनको चेतावनी भी दे दी, अगर इस तरह का प्रकरण मेरे बाद दोबारा में आएगा तो अपने आज भी मैं अपने उच्च अधिकारी को इस बात की शिकायत दर्ज कराऊंगा और आगे से अगर कोई इस तरह की तो सख्त कार्रवाई के लिए मैं लिखूंगा। सर, दवा अस्पताल में दवा अवेलेबल है? हाँ, दवा अवेलेबल है। आप जितनी भी दवाइयाँ हैं मैक्सिमम जो दवा अस्पताल में है वही दवा देते हैं। सर, बाहर से लिखी गई दवा? ये जो प्रकरण है इसमें कोई दवा बाहर से लिखी गई थी, उसको दवा को भी हमने उनसे वापस करवा के और अस्पताल में जो दवा उपलब्ध थी वो उपलब्ध करा दी। सर, इस मामले में क्या कार्रवाई होगी कुछ? इसके लिए हम इनके जो है सीओ साहब को लिखा।